नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से, जहां यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। इस दौरान भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटाने की कार्रवाई की गई है। उनकी जगह राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेणुका मिश्रा फिलहाल प्रतीक्षारत रखी गई है। आपको बता दें कि यूपी में 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन पेपर लीक होने की खबर सामने आई। पेपर लीक होने के सबूत जब अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए तो इस परीक्षा को सीएम योगी ने रद्द कर दिया और फिर अगले 6 महीने में दोबारा से परीक्षाओं का आयोजन कराने की बात कही। राजीव कृष्णा पुलिस भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव कृष्णा डीजी विजिलेंस भी रहेंगे। गौरतलब है कि पेपर लीक के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वे ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। इससे पहले आरओ और एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में भी यूपी लोकसभा के परीक्षा नियंत्रक अजय तिवारी को उनके पद से हटाने की कार्रवाई की गई है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, आखिर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? रेणुका मिश्रा को उनके पद से तो हटा दिया गया है, आखिर प्रमुख वजह क्या रही इनके पद से हटाए जाने की? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, यूपी पुलिस भर्ती की जो परीक्षा चल रही थी, जिसमें 60,244 पदों पर भर्ती की परीक्षा हुई थी, इस मामले में जिस तरह से परीक्षा लीक हुई, तो परीक्षा पेपर जो लीक हुआ था, उस मामले को लेकर के लगातार देश भर में प्रदर्शन हुआ था और उसको लेकर के जो नाराजगी सरकार ने दिखाई थी, उसके बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। रद्द करने के बाद इस मामले में जो हीला हवाली देखी गई, जो FIR देखी गई और जांच जो टीम बनाई गई और जांच टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस मामले में सभी जो आरोप दिखे थे पेपर लीक मामले को लेकर के, तो वो पूरी तरीके से साफ दिखे और इन्हीं सब लापरवाहियों के कारण जो रेणुका मिश्रा थी उनको फिलहाल उनके पद से हटा करके उनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो वहीं 1991 बैच के जो IPS अधिकारी हैं राजीव कृष्णा, उनको भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो राजीव कृष्णा डीजी विजिलेंस के पद पर तैनात है और इसी तरह के से अगर बात की जाए, अब जो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है भर्ती परीक्षा को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिले, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो अभी दोबारा भर्ती परीक्षा का एग्जाम होना है, तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं और जो पेपर लीकआउट ना हो, इन सभी चीजों को लेकर के साफ तौर से जो सतर्क रहने के निर्देश है वो देखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा किरण जी की जिस तरीके से अब राजीव कृष्णा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ये एक बेहतरीन IPS अधिकारी माने जाते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान अगर बात की जाए, जो लाइन ऑर्डर की बात की जाए या फिर जो जिन पदों पर ये तैनात रहे हैं, वहां पर की जो कानून व्यवस्था की बात किया, उसमें काफी खड़े उतरे हैं और एक बार फिर से जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पेपर लीक आउट के बाद से, जो इनको एक पेपर लीक मामले में जो एक बार फिर से इनको जिम्मेदारी दी गई भर्ती बोर्ड परीक्षा भर्ती बोर्ड की, तो अब देखना ये होगा कि आखिर लीकआउट मामले में अब ये क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर जो अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, या फिर जो अगली परीक्षा आएगी 6 माह के अंदर, उसमें किस तरीके की जो रणनीति रहेगी जिससे पेपर लीकआउट ना हो। जो प्रिंटिंग प्रेस की बात की जा रही थी, जहां से पेपर लीक होने की बात कही गई, और वहां पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या उसको ब्लैक लिस्टेड करते हैं या फिर दूसरी कंपनी को पेपर की जो जिम्मेदारी देते हैं, वो कितना खरा उतरेगा जी? कलीम, क्या इससे पहले भी रेणुका मिश्रा किसी वजह से चर्चा में रह चुकी हैं, या फिर ये पहली बार ही कुछ ऐसा हुआ कि उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया? हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, जिम्मेदारी को लेकर के इससे पहले की अगर बात की है, तो पहले फिलहाल किसी भी मामले में चर्चा में तो नहीं रही और उन्हीं सब चीजों को लेकर के सरकार ने जो एक विश्वास जताया था, उस विश्वास के आधार पर इनको जो है डीजी जो है भर्ती बोर्ड का जो है चांस दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से लापरवाहियां देखी गई, लापरवाही केवल भर्ती बोर्ड परीक्षा की नहीं रही, बल्कि अगर बात की जाए आरओ एआरओ की भी जो परीक्षा रही, उसमें भी लीक मामला रहा और इसके साथ ही जो FIR रही, FIR में भी साफ तौर से जिक्र किया गया था, क्योंकि पर्ची जो मिली थी वो साफ तौर से उन्हीं आंसरों की पर्ची थी जो पेपर में सवाल थे, तो उन्हीं सब मामलों को लेकर के लापरवाही बरती गई, उन्हीं सब मामलों को लेकर के फिलहाल कार्रवाई की गई और वेटिंग लिस्ट में रखा गया। अब देखना यह होगा कि आखिर वेटिंग लिस्ट में ये कब तक रहेंगी, क्या इनको चार्ज मिलेगा या फिर ये वेटिंग लिस्ट में ही आने वाले समय तक बनी रहेंगी। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे राजभवन में हो सकता है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान और RLD के 1 से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को लखनऊ लौट रही हैं। उनके लखनऊ लौटने के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के तमाम मंत्रियों के इस दौरान मौजूद रहने की खबर सामने आ रही है।
इटावा के बकेबर क्षेत्र में मौजूद सराय इलाही गांव में विद्युत विभाग पर बड़ा आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले एक किसान ने लघु सिंचाई योजना के तहत नलकूप की बोरिंग कराई थी। ठेकेदार ने इस दौरान करीब 1 लाख रुपए भी लिए, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। पीड़ित को कभी भी बिजली मुहैया नहीं हुई, बावजूद इसके पीड़ित के पास बिजली विभाग की ओर से करीब 2 लाख का बिल आया है। अभी मैंने आपको स्टोर से उठा हुआ सामान का इनवॉइस दिखाई, गेट पास भी दिखाया, उसी इंसान ने सारा सामान स्टोर से उठा के ले गया। इनवॉइस कटी हुई है, बाकायदा स्टोर ने सिद्ध किया है, साइन वगैरह उनके पूरा ट्रांसफर सब सामान ले जाकर के उठा के लेके गए। इन्होंने अपना ट्यूबवेल कुछ दिन चलाया, उसके बाद इनको ट्रांसफर का पता नहीं, उन्होंने क्या क्या ट्रांसफर कहा है। हमने 2015 में कनेक्शन की कार्रवाई डाली थी, 9, 11, 18 में हम पोल ले आए, फिर ट्रांसफार्मर उन्होंने कही कि ट्रांसफार्मर भी अभी है नहीं है, फिर आपको हम सूचना कर देंगे, हम तब ट्रांसफार्मर ले जाइए। ट्रांसफार्मर उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। फिर मेरे पास आरसी कट के आई, तब हमने ये बात जानी कि बिल चालू हो गया मेरे पास, और तब हमने भाग दौड़ करी है। कि सिद्धार्थनगर की गोलहारा पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि गौतस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सर्विलांस प्रभारी सुरेंद्र सिंह के हाथ में गोली लगी, साथ ही साथ गैंगस्टर अब्बास को भी जवाबी कार्रवाई में चलाई गई गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जहाँ अभी भी उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, गौतस्कर के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस के साथ ही गौतस्करी में इस्तेमाल की गई डीसीएम गाड़ी भी बरामद की गई है। बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र में देर रात पुलिस की मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली जा धंसी, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 32,000 रुपए, एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस के साथ ही खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिस पर नंबर प्लेट नहीं लगा है। इटावा थाना लवेदी के नवादा खुर्द कला में 2000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। वहीं इसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगरा से भरकर मुजफ्फरपुर ले जा रही शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुद जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि इसके पहले भी उन्होंने इस तरह से अवैध शराब की तस्करी की है। लवेदी पुलिस को और एसओजी सर्विलांस की टीम को एक टिप ऑफ मिलता है देर रात में जो है, और उस पर हमारी जो टीम है सक्रिय होती है, तथा जब जाके देखती है तो वहाँ पर शराब जो है उतर रही थी, और उस पर जब हमारी पुलिस ने उसे पूछताछ किया तो उसमें से 4 लोग पकड़े जाते हैं और उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो शराब है, एक नदवा कला खुर्द गाँव पड़ता है लवेदी थाने में, और उन्होंने बताया कि ये जो शराब है ये आगरा से लद करके जो है मुजफ्फरपुर जा रही थी, और इसमें जो बिल्टी मिली है वो बिल्टी जो है आगरा से गौहाटी की मिली हुई है, और उसमें दिखाया गया है कि क्राकरी लदी हुई है, और क्राकरी लदी भी है, और उसके बीच में 203 पेटी शराब की जो पेटियां हैं ये पकड़ी जाती। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के कासिया ककोड़ा के पास तेज रफ्तार तवेरा और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें सवार 7 साल की बच्ची समेत 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मंझनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बताया जा रहा है कि 7 साल की बच्ची समेत 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, ट्रेलर था जो खराब हो गया था रास्ते में, और एक टवेरा गाड़ी जो बारात से आ रही थी उसमें ड्राइवर के नींद के कारण वो टवेरा, क्या बोलते हैं, ट्रेलर में भिड़ गया था, जिससे कुछ लोग घायल हुए थे। उनको तत्काल जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंच करके घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा गया। इलाजरत 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है और शेष को SRN रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, उसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। ये बारात से वापस लौट रहे थे, पूछताछ करने पे पता चला कि जो ड्राइवर था वो एक बार झपकी लिया, जिसके कारण से ये दुर्घटना घटी थी।
इटावा के ग्राम पंचायत कचहरी के ग्राम शेरगढ़ में कार्ड धारकों ने राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चकरनगर के चंबल क्षेत्र में 8 सालों से राशन डीलर अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है, राशन बांटने का कोई नियम नहीं है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि राशन डीलर अक्सर कम राशन देता है और मामले की शिकायत करने पर जांच के नाम पर महज खानापूर्ति होती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। समस्या का है साहब, गल्ला को जाओ तो गल्ला नहीं दे, चचर दाए जाओ और आओ लौट के। क्या कार्ड क्यों नहीं गल्ला देते? अब गल्ला का देखियो, जब बेहारे खेत को कारी है तो गल्ला का बांटे। सरकार तो हर घर में गल्ला पहुंचाने की बात कर रही है, तो आप लोगों क्यों नहीं दिया जाता है? आपका कारण साहब, आप गरीब आदमी तो जय कह नहीं पाऊ हम लोग। तो आपने कहा नहीं कि मुझे सरकार गल्ला दे रही, गल्ला दीजिए समय पे? नहीं, गल्ला पूरा मिलता आपको? कम दे दे गल्ला। कितना कम दे दे? अब साहब हम तो तौलो नहीं, सभी को पूछ लो लड़कन तो सभी के गल्ला तो कम आओ। कम देते हैं? अच्छा, टाइम पे गल्ला मिलता आपको? अब गल्ला टाइम पे जब चार जाओ तब मिला टाइम पे गल्ला। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारे बड़े भाई का ये गल्ला राशन नहीं देता, आज 5 सालें हो गई हैं। राशन भी कटवा दिया है और वो राशन कार्ड बिल्कुल कटवा दिया है, कहता है यहाँ के निवासी नहीं है जी। अच्छा, तो ये राशन डीलर का नाम क्या है? राम बाबू निषाद। अच्छा, तो ये कब से समस्याएँ आ रही हैं आप लोगों? हम तो ये मैनेजर हमारे गाँव के प्रधान थे, तभी से चल रही है। अच्छा, ये गाड़ी गुल्ला कर दिया इसने, तब से हम भेजते ही नहीं है इसके यहाँ। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या सर ये है कि हमें टाइम से ना तो गल्ला दिया जाता है, और जैसे अगर लेट भी हो जाते हैं तो उनके पिताजी क्या कहते हैं कि तुम बहुत बड़े नेता हो, बहुत टाइम से आते हो और खुद टाइम से कोई बांटना नहीं है। अब वो बच्चे उनके लड़के हैं जो स्कूल जला के जाएंगे, उसके बाद डीलर 4 बजे के बाद बांटेंगे जाके। सर हम लोग किसान हैं, हमें अपने भी कार्य करने होते, नहीं पहुँच पाते हैं टाइम से, तो कहते हैं कि गल्ला लेने आना है तो लो, नहीं तो वरना अपना राशन कटवा लो। तो क्या जो गल्ला बांटते हैं कोई और कार्य करते हैं? हाँ, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, शिक्षा मित्र हैं। हाँ जी। तो समय पे गल्ला नहीं दे पाते आप? नहीं, समय पे नहीं दे पाते। 8 बजे बुलाते हैं, कहते हैं 8 से 8:10 भी हो गए, तो कहते हैं अब हमें टाइम नहीं है, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, बस ये कह के अपना निकल लेते हैं। हम लोगों को 4-4, 5-5 बार जाना पड़ता है। समस्या साहब इतनी है कि 1 साल से हम करियावली कोटा लेन यहाँ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं और मशीन बंद कर देते हैं। अच्छा, और कोई आ गया तो मशीन खोल दिए, अंगूठा लगवा ले। आपको ही नहीं देते? हमको नहीं देते, और लोग हैं, कई एक लोग हैं। अच्छा दादा, जो कब से समस्या है आपके गांव में? करीब करीब 1 साल हो गई। 1 साल हो गई है। अच्छा, समय पर गल्ला कम भी देते हैं मुझे लग रहा है। कम देते हैं। इसकी शिकायत वगैरह आपने कहीं की है? की है। तो क्या कोई उस पर एक्शन हुआ अभी तक? अब इंक्वायरी आई थी तो हम कुछ सब भाव नहीं। अच्छा, 10-15 लोगों ने बयान करे थे, हम कुछ सुनाई नहीं भाई। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।